वो सी एस के स्टूडेंट्स को भी प्लस कॉलेज के अंदर जो मास्टर्स कर रहे हैं लॉ का उनको भी प्लस आई एम ऑल्सो अ प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी एंड अगेन मेरा एरिया ऑफ प्रैक्टिस कॉरपोरेट लॉ ही है हम बिजनेस uh, लॉ के पूरे पोर्शन को कवर करेंगे राइट right? साथ में हम कवर करेंगे मैं आपके पूरे सेशन को मैं ही लेने वाला हूँ बिजनेस लॉ राइट सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस सब्जेक्ट आई एम श्योर आप लोगों ने फर्स्ट टाइम यहाँ पे लॉ को पढ़ रहे हो आप लोग इससे पहले आपने कभी लॉ को नहीं पढ़ा होगा तो ये सब्जेक्ट को मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों को बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से मैं धीरे धीरे आप लोगों को लिफ्ट करूँ इसमें मुझे आप लोगों का सपोर्ट भी बहुत लगेगा बिकॉज जितना आप लॉ के अंदर पार्टिसिपेट करोगे क्लासेस के अंदर जितना आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन रहेगा उतना ज्यादा यहाँ पर आपका अंडरस्टैंडिंग बेटर होगा और उतना कम आपको परेशानी आएगा लॉ के सब्जेक्ट्स के अंदर मैंने देखा है जिन बैचेस के अंदर इंटरेक्शन लेवल ज्यादा रहता है वो बैच को ज्यादा समझ में आता है ज्यादा अच्छे से समझ में आता है वो ओवरऑल ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और इंटरेस्टिंग भी रहता है क्योंकि लॉ एज यू से मतलब वैसे तो मैं थ्योरी प्रैक्टिकल में बिलीव नहीं करता बट येस yes, वेट यू टॉक अबाउट अब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स वहाँ पर आपको एक्टिवली कुछ ना कुछ दिमाग लगाना होता है आप उसको साथ में बैठ के सॉल्व करते हो तो आपका कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन उसमें ग्रैब करने को कुछ ना कुछ नया रहता है लॉ में भी इस तरह से कुछ नया रहेगा थ्योरी सब्जेक्ट में भी रहता है बट अगेन यहाँ पर आपको थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना होगा बट ट्रस्ट मी आपका जो बिजनेस लॉ का पेपर है ये बहुत मैं इजी बना दूंगा एंड इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप फाउंडेशन लेवल पर अपने लॉ सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके रखो रीज़न बिंग क्योंकि जब आप सी ए इंटरमीडिएट में आओगे वहाँ पर भी आपको लॉ पढ़ना होगा आप जो फाइनल में आओगे वहाँ पर भी आपको लॉ पढ़ना होगा सो so ये जो सब्जेक्ट है ये आपके साथ रहने वाला है मतलब ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा आपका जैसे मैथ्स है फाउंडेशन में जो मैथ्स है वो आपके फाउंडेशन लेवल तक ही रहेगा ये आपको इंटर में फाइनल में नहीं मिलेगा लेकिन बिजनेस लॉ एक ऐसा सब्जेक्ट है या लॉ पर से अगर मैं आपको बताऊं ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके साथ लॉन्ग रन में रहेगा तो इसका आप अगर कुछ फंडामेंटल्स बेसिक्स अगर अभी से सीख लोगे तो ये आपके लिए लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा अपार्ट फ्रॉम यू नो योर सी ए इंटर फाइनल जब आप प्रोफेशन के अंदर भी आओगे जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के आप प्रोफेशन में आओगे तब भी ये सब्जेक्ट आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज यू विल बी डीलिंग विद दिस लॉ राइट ऑन अ डे टू डे बेसिस सो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपका काम रहेगा लॉ के साथ आपको खेलना होगा उसको आपको समझना होगा इंटरप्रेट करना होगा अगर आप प्रैक्टिस में हो तो आपको आपके क्लाइंट के हिसाब से आपको लॉ को कहीं ना कहीं से फिट इन करना होगा कि उनका काम हो जाए अगर आप कंपनी में हो तो आपके कंपनी के डायरेक्टर्स आपसे से ये उम्मीद रखेंगे कि आप कहीं ना कहीं लॉ को उस तरह से समझो और उसको उस तरह से इंटरप्रेट करके क्लाइंट के बेनिफिट के लिए आप करो काम तो ये आपके साथ रहने वाले सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट आपका पेपर नंबर टू है फॉर योर बिजनेस लॉ राइट और फाउंडेशन कोर्स में ये सिक्सटी मार्क्स का आपका पेपर होता है टोटल इसके साथ आपका एक और सब्जेक्ट है बिजनेस कम्युनिकेशन आपका बिजनेस रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन एक आपका और सब्जेक्ट है तो दो सब्जेक्ट्स आप एक साथ यहाँ पे प्रिपेयर करोगे हालांकि मैं आपके लिए सिर्फ ये सिक्सटी मार्क्स आपकी इस जर्नी में सिर्फ ये सिक्सटी मार्क्स के पोर्शन के लिए मैं रहूँगा टोटल यहाँ पर पाँच एक्ट है जो आपको पढ़ने हैं सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए सबसे क्या वैसे तो पांचों इंपॉर्टेंट है बट यूल स्टार्ट विथ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट फिर आप पढ़ोगे सेल ऑफ गुड्स एक्ट फिर आप कवर करोगे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट फिर आप कवर करोगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और फिर आप कवर करोगे कंपनीज एक्ट ये पांच एक्ट है जो आपको यहाँ पे पढ़ना है मैंने कुछ भी नहीं किया यह जो आपका मॉड्यूल है इस मॉड्यूल को ही मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट कर दिया है कुछ कुछ एक्सट्रैक्ट्स मैंने आपके मॉड्यूल से लिए हैं तो हम जो कुछ भी चैप्टर्स को पढ़ेंगे वी विल स्टडी फ्रॉम द मॉड्यूल इट राइट और ऐसा क्यों बिकॉज जो आपका मॉड्यूल है वो जैसे एक इंग्लिश में सेंग होता है मॉड्यूल इज द बाइबल ये एक आपका सेंटेंस रहता है और बहुत ही कॉमन टर्म है और इसका सिंपल मतलब ये है कि मॉड्यूल से बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा तो मॉड्यूल आपको वर्ड टू वर्ड काफी अच्छे से पढ़ना है और वो काम मैं आपको यहाँ पर क्लास में करवा दूंगा सो यूल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम लेटर ऑन तो मॉड्यूल एक आप अपने साथ रखोगे आई थिंक आप सबके पास इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल होगा है आप लोगों के पास इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल अगर आप लोग कमेंट सेक्शन पे अटेम्प्ट करो तो ओके ओके तो आप लोगों को मॉड्यूल अपने पास रखना है जो आई का आपका मॉड्यूल है वो आपके लिए बाइबल रहेगा और मेरा जो पूरा स्लाइड्स है वो आपको मॉड्यूल के थ्रू ही रहेगा इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे मॉड्यूल के अलावा और वो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में क्या होगा आप देखिए आपका जो पहला अटेम्प्ट था सी फाउंडेशन का न्यू सिलेबस का वो था मे टू में सो so, हम मे टू थाउजेंड एटीन मे टू थाउजेंड एंड ना अनफॉर्चुनेटली मे टू में एग्जाम नहीं हुआ बट डेफिनेटली अभी जो अगस्त में या जुलाई में जो भी आपका एग्ज़ाम रहेगा 2021 का क्योंकि आप सब नवंबर के स्टूडेंट्स हो तो मे 2021 थाउजेंड इसके अलावा नवंबर 2018 नवंबर 2019 नवंबर 2020 और जनवरी 2021 हम ऑलमोस्ट आप ये देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन हम पिछले सात अटेम्प्ट के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उसको भी साथ साथ में हम खत्म कर देंगे तो इससे फ़ायदा क्या होगा आप आईसीए आई का मॉड्यूल तो पढ़ोगे पर आप देखो सेवन पेपर्स इन टू सिक्सटी मार्क्स तो आप ये देखिए फोर हंड्रेड ट्वेंटी मार्क्स का प्रैक्टिस हम क्लास में कर चुके होंगे तो जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा मैं कोशिश करूंगा चैप्टर के साथ साथ ही आपको ये पास्ट ईयर क्वेश्चंस को मैं कवर करवाऊँ इसको मैं बोलता हूँ पी वाई क्यू सीरीज़ पास्ट ईयर क्वेश्चन सीरीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है इनिशियल में ये पी वाई क्यू सीरीज़ मैं सिर्फ फाइनल वालों के साथ करता था फिर ग्रेजुअली इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स ने बोला सर हमारे साथ भी करो और इस अटैम्प्ट में जो फाउंडेशन के स्टूडेंट्स थे उन्होंने बोला सर हमारे साथ भी आप ये पीवाई सीरीज करो इससे बहुत बेनिफिट होता है तो पीवाई सीरीज हम करेंगे तो हम पिछले सात अटैम्प्ट के क्वेश्चन पेपर को यहीं क्लास में साथ में सॉल्व करेंगे तो आप आप एक तरीके से ये बेनिफिट देखो आपको साइकोलॉजिकली कितना बेनिफिट होगा कि सर हमने मॉड्यूल पूरा पढ़ लिया पिछले सात अटैम्प्ट के हमने क्वेश्चन पेपर्स को भी कवर किया है अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये सात पेपर्स जो आपके होंगे इसमें से कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे बट येस यू कैन एक्सपेक्ट सम ट्वेंटी परसेंट रिपीटेड क्वेश्चन इफ नॉट रिपीटेड क्वेश्चन एज इट इज तो उसी के आसपास का कुछ ना कुछ आपको एरिया वहां पर मिल जाएगा तो ये आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि जब आप इस तरह से सात अटेम्प्ट्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर चुके होंगे तो आप काफी कॉन्फिडेंट रहोगे कि सर इस क्वेश्चन में हमें इस हिसाब से आंसर करना है तो कि देखो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन होंगे जो शायद टू मार्क्स के लिए पूछा गया हो और कुछ क्वेश्चन होंगे जो वही सेवन मार्क्स के लिए पूछा गया हो तो आप यहाँ पर काफी अच्छे से कॉम्प्रीहेंड कर पाओगे की अगर ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो टू मार्क्स के लिए पूछा है तो हमें कितना लिखना है वही क्वेश्चन अगर थ्री मार्क्स के लिए पूछा तो हमारा क्या कंटेंट होगा फोर मार्क्स के लिए क्या कंटेंट होगा फाइव मार्क्स के लिए क्या कंटेंट होगा और सेवन मार्क्स के लिए क्या कंटेंट होगा तो कंटेंट बिल्डिंग के अंदर आपको ये पीवाई क्यू सीरीज बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इसके अलावा इंस्टीट्यूट रिविजन टेस्ट पेपर भी निकालता है आर टीपी आर टीपी आपको तकरीबन मिल जाएगा आपके आठ आठ नहीं आर टीपी भी आपको सेवन अटेम्प्ट का मिलेगा आपको मे टू थाउजेंड एटीन मे टू थाउजेंड नाइनटीन मे टू थाउजेंड ट्वेंटी इंस्टीट्यूट ने आर टी पी तो निकाला था बट अटेम्प्ट नहीं हुआ था फिर सिमिलरली नवंबर 2018, नवंबर 2019, नवंबर 2020 एंड मई 2021 और जहाँ जब आप एग्जाम दोगे तो आपके लिए नवंबर 2021 का आरटीपी भी आ जाएगा तो आप ये देखो हम ये आठ आरटीपी पेपर्स को सॉल्व करेंगे तो ये सब लगभग हम क्लास के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो इससे बेनिफिट ये हो जाएगा कि आप सोचो आप जब एग्जाम में जाओगे तो सब काम आपका क्लास में ऑलरेडी हो चुका होगा सो दिस विल अगेन गिव यू लॉर्ड ऑफ कॉन्फिडेंस और आपके पास एक काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा अपने आप को असेस करने का कि हमने कितने अच्छे से चीजों को समझा है और हम कितने अच्छे से चीजों को लिख पा रहे तो इसको मैं बोलता हूं हाउ वेल यू कैन इट आउट इन द एग्जाम क्योंकि अल्टीमेटली ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है आपका प्रेपरेशन भी और आप कितने अच्छे से एग्जाम में लिख के आते हो वो भी इंपॉर्टेंट है सिर्फ अगर हम बोले क्लास में अच्छे से प्रिपरेशन हो गया या मैंने अच्छे से पढ़ा दिया तो काम नहीं चलेगा क्योंकि अल्टीमेटली आप टेस्ट इसी लेवल पे हो गए कि आप एग्जाम में कितने अच्छे से लिखते हो तो हम कोशिश करेंगे कि आपका मैक्सिमम प्रॉक्टिस जो आपका प्रैक्टिस है मैक्सिमम वो क्लास के अंदर ही हो जाए सो दैट लेटर आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हो फिर ये uh, मैंने एक्स्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल से निकाला है जिसमें मैं चाहता हूँ कि इंस्टीट्यूट क्या एक्सपेक्ट कर रहा है अगर आप सबके पास मॉड्यूल है तो आप लोगों को मॉड्यूल के अंदर भी ये एक लाइन आपको मिल जाएगा सेकंड या थर्ड पेज पे आपको ये पॉइंट मिलेगा जहां पर इंस्टीट्यूट लिख रहा है वी होप दैट इंट्रोडक्शन टू बिजनेस लॉ विल सेट अ गुड फाउंडेशन फॉर द स्टूडेंट्स टू अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट प्रोविजन ऑफ सेलेक्ट बिजनेस लॉ

अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का क्या मतलब होता है जिसको आमतौर पे आपके अगर सीनियर से आपने कभी सुना हो तो केस स्टडी वर्ड यूज करते हैं हम यहां पर केस स्टडीज भी पढ़ेंगे केस स्टडी क्या होगा वही जो यहां पर आ, Define वॉट हाउ के हिसाब से होता है उसकी जगह आपको एक सिचुएशन दे दिया जाएगा और उस सिचुएशन के बेसिस के के बताना होगा कि यहाँ पर क्या होगा क्या नहीं होगा जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल आपको एक तरीके से अगर मैं बताऊँ आपको लॉयर के ड्रेस में घुस जाना होगा ठीक है यूल द शू ऑफ अ लॉयर एंड एक लॉयर किस हिसाब से अपने चीज को प्रूव करेगा आपको भी उसी हिसाब से उस सिचुएशन के अंदर केस स्टडी को आंसर करना होगा सर ये तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर रहे हैं बिलीव मी ये बिल्कुल कॉम्प्लिकेटेड साउंड कर नहीं रहा बट हाँ एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी नहीं प्रॉमिस करूंगा दैट इट इज अ वेरी इजी केक वॉक तो आप शुरू से कैजुअल हो जाओ मैं वो भी नहीं करूंगा बट एट द सेम टाइम मैं आपको डराने भी नहीं वाला कि ये तो बहुत ही डिफिकल्ट है इससे ज्यादा तो कोई तकलीफ दायक कुछ है ही नहीं सब्जेक्ट मतलब लाइफ में सबसे ज्यादा दुख आपको अगर होगा तो वो लॉ के पेपर में होगा ऐसा भी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि लॉ का पेपर आपके लिए बहुत ही ईजी होगा बिकॉज आई थिंक अगर आप एक्सट्रीम जोन में चले जाते हो तो कहीं ना कहीं वो फिर आपके लिए नेगेटिव होता है क्योंकि अगर आप बहुत ही इजी मान लोगे तो आप कैजुअल हो जाओगे वो भी आपके लिए खराब है और बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट मान लोगे तो उस समय आपके लिए फिर इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे तो हम इसको बिल्कुल एक्सट्रीमली इजी भी नहीं मानेंगे और एक्सट्रीमली डिफिकल्ट भी नहीं मानेंगे इट्स अ बैलेंस्ड इट्स अ नॉर्मल सब्जेक्ट कोई बहुत अलग सा सब्जेक्ट आपके पास नहीं है अपार्ट फ्रॉम दैट ये पांच आपके पास लॉज है यहाँ पे जो हमें पढ़ना है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम यहाँ पे पढ़ेंगे सेल ऑफ़ गुड्स एक्ट पढ़ेंगे पहले ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था फिर बाद में अलग से निकल के ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट बन गया उसके बाद हम यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट आपके सिलेबस में ये भी पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पार्ट था बाद में इसको एक अलग से एक्ट बना दिया गया फिर हम ये एक एक्ट पढ़ेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और कंपनीज एक्ट को हम पढ़ेंगे अब ये जो आप चैप्टर्स आप यहाँ पे पढ़ रहे हो इसमें आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है आप आधा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट यहाँ पे पढ़ोगे half contract act you will study here and the balance contract act you are going to study in the ca intermediate level companies act jo hai yahan par aap sirf basics pad rahe ho uske baad mein aap companies act bacha hua Intermediate में भी पढ़ोगे और Final में भी पढ़ोगे तो यहाँ पर आप बहुत ही basics को cover करोगे और Intermediate level पे आप आधा कंपनीज एक्ट वहां पढ़ोगे और बचा हुआ कंपनीज एक्ट के क्वेश्चंस आपको फाइनल लेवल पे मिलेंगे तो जैसे मैंने बताया कि ये एक फाउंडेशन है फाउंडेशन मतलब आपका बेस है तो ये फाउंडेशन आपको काफी स्ट्रांग रखना होगा क्योंकि आगे जाकर जब आप इंटर में फाइनल में और सी बनने के बाद जब एक्चुअल में सिचुएशन को हैंडल करोगे वहां पर ये सारे एक्ट आपको यूज होंगे राइट सो so, ये आपका लगभग पूरा सिलेबस है सो so, इसमें से आपको कोई डाउट है कि सर क्या कुछ भी अगर आपको डाउट है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हो सर दिस इज़ माय डाउट आई विल हैप्पी टू आंसर दैट अदरवाइज वी कैन गो अहेड एंड स्टार्ट विद द लेक्चर इसमें कोई डाउट है आपको ओके ओके अच्छा लगभग हम यहाँ पे 50 आवर्स में अपने पूरे पोर्शन को कंप्लीट करेंगे लगभग 50 टू 55 फाइव आर्स हमें लगते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम हमें इन दोनों एक्ट में लगता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट में उसके बाद हम कवर करते हैं सो so, हमारा जो सीक्वेंस रहेगा क्लास के अंदर वो ये सीक्वेंस रहेगा वी विल स्टार्ट विद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट विल स्टार्ट देन वी विल डू सेल ऑफ गुड्स एक्ट फिर हम करेंगे कंपनीज एक्ट फिर हम करेंगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट और लास्ट में हम करेंगे पार्टनरशिप एक्ट जिसमें काफी हद तक आपने पार्टनरशिप एक्ट के बहुत सारी चीजों को क्योंकि आपने अकाउंटेंसी के अंदर भी पार्टनरशिप एक्ट मैंने पार्टनरशिप अकाउंट्स को पढ़ा है तो काफी सारी चीजें आपको पता होगी बट हां उसको हम यहाँ पर और ज्यादा फॉर्मल पे में पढ़ लेंगे सर ये स्लाइड्स जो आप लिख रहे हो क्या ये स्लाइड्स हमें मिलेगा क्या ये काफ़ी कॉमन क्वेश्चन होता है सो डोंट वरी आपको ये पूरे स्लाइड्स का भी एक्सेस मिलेगा इनफैक्ट आप सबको मैं एक फोल्डर का एक्सेस पकड़ा दूंगा आज के लेक्चर के एंड पे आप लोग मुझे अपना ईमेल आईडी आई व्हाट्सएप कर देना ठीक है सो मैं आप लोगों के साथ अपना नंबर भी शेयर कर दूंगा लेक्चर के एंड पे आप बस मुझे अपना ई मेल शेयर कर देना और आप ई मेल कैसे शेयर करोगे आप अपना नाम लिखोगे राइट योर नेम और नेम के आगे आप लिख दोगे सी एफ सी एन ट्वेंटी वन ओके एन ट्वेंटी वन दिस इज नवंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी कोर्स आपका नाम आप ये एक मुझे एक टेक्स्ट करोगे और दूसरे टेक्स्ट में आप मुझे अपना ई मेल आई डी व्हाट्सएप कर दोगे आपके दो टेक्स्ट हैंगी. ये एक साथ मत भेजना मुझे अलग अलग भेजना ताकि इसको मैं कॉपी करके आपका कॉन्टेक्ट सेव कर लूंगा और इसको कॉपी करके मैं आपका ई मेल सेव कर दूंगा सो दैट आई विल बी एबल टू गिव यू द गूगल ड्राइव फोल्डर तो वो जो गूगल ड्राइव का आपको मैं फोल्डर दूंगा उस फोल्डर के अंदर आपके पास सब कुछ होगा ये जो मैंने आपको बताया आर पेपर पास्ट ईयर क्वेश्चन स्लाइड्स सब कुछ आपको उस फोल्डर के अंदर मिल जाएगा और जैसे जैसे हमारा लेक्चर अपडेट होगा वहां पर आपको ये सारे स्लाइड्स अवेलेबल होंगे जब आप आ, उस फोल्डर को एक्सेस करोगे गूगल ड्राइव के अंदर अलग अलग फोल्डर्स होंगे आरटीपी का एक फोल्डर होगा पी का एक फोल्डर होगा पास ईयर क्वेश्चन का एक मॉड्यूल का एक अलग से फोल्डर होगा और एक फोल्डर होगा क्लास स्लाइड्स के नाम से क्लास स्लाइड्स वाले फोल्डर में आपको दो फोल्डर मिलेगा एक होगा पी और एक होगा पी पीपीटी वाला जो फोल्डर है वो मेरे लिए है और पीडीएफ वाला जो है ये आप लोगों के लिए पीपीटी वाले फोल्डर को आप ओपन करोगे तो आपको सिर्फ ऐसे ब्लैंक स्लाइड मिलेंगे और कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि ये जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ वो पीपीटी में तो सेव होता है बट मोबाइल पे या आप सिस्टम पे उसको ओपन करने की कोशिश करते हो तो वो समहा कुछ टेक्निकल इशू है वो शो नहीं करता इसीलिए इस सेम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ और ये पीडीएफ आप आराम से एक्सेस कर सकते हो और मैंने वहां पे लिखा हुआ भी है जो फोल्डर का नाम है पीडीएफ फॉर मोबाइल राइट right? तो आप पीपीटी को यूज मत करना एंड डोंट वरी कि पीपीटी में कुछ मैंने खजाना छुपा के रखा है जो पीपीटी में है वही पीडीएफ फोल्डर के अंदर है बस खाली फॉर्मेट दोनों के अलग अलग है राइट यू कैन ऑल्सो टेक माई नंबर मैं अभी आप लोगों के साथ अपना नंबर भी शेयर कर देता हूँ आप इनफैक्ट इसका स्क्रीन लेके रख लो सो दैट लेटर ऑन आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो आई शेयर माई नंबर और आप मुझे व्हाट्सएप कर देना लेक्चर के एंड में मैं नंबर इज डबल नाइन टू जीरो नाइन टू सिक्स सेवन डबल थ्री आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कमेंट सेक्शन पे या तो आप मुझे डन लिख दो या फिर आप ओके okay बता दो आप बोल दोगे तो भी मैं यहाँ पे फिर आगे के टॉपिक्स को पिक करने लग जाऊँगा ओके सो आई कैन सी इन द कमेंट सेक्शन डन ऑल राइट चलिए तो फिर हम अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं अब हम स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और आज के लेक्चर के अंदर हम कुछ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तक तो पहुंचेंगे बाद में बट उससे पहले हम ये समझते हैं कि लॉ होता क्या है वॉट इज लॉ वट इज लॉ तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा क्या आप लोगों का क्या अंडरस्टैंडिंग है लॉ मतलब क्या होता है वॉट इज लॉ वॉट इज लॉ सर ये अ सेट ऑफ रूल्स ओके वेरी गुड अ सेट ऑफ रूल्स लॉ के अंदर एक पॉइंट ये आंसर मुझे मिला यहां पे दैट इट इज सेट ऑफ रूल्स ओके और कुछ ओके okay, इंस्ट्रक्शंस तो मैं रूल्स यहां पर फिर इंस्ट्रक्शंस बता देता हूं ओके okay? परफेक्ट और बताइए क्या लॉ जरूरी है ओके सेट ऑफ रूल्स इंस्ट्रक्शंस कौन बनाता है गवर्नमेंट okay. okay. और एनी गवर्निंग बॉडी ओके एक आंसर यह आ रहा है गवर्नमेंट और एनी गवर्निंग बॉडी ओके और गवर्नमेंट कैसे बनाएगा कोई भी लॉ गवर्नमेंट कोई भी लॉ कैसे बनाएगा ओके वेरी गुड एक टेक्निकल टर्म यहाँ पे मेरे को मिला है बिल पास करके राइट right? तो चलिए हम यहाँ पे इसी को और डिटेल में डिस्कस करते हैं करेक्ट बताया आप लोगों ने कि इट्स अ सेट ऑफ रूल्स इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बट अगर आप यहाँ पर चेक करो जब हम बात करते हैं किसी भी लॉ के लिए तो लॉ बेसिकली क्या होगा हर एक कंट्री का अपना खुद का लॉ होता है ठीक है और वो जो लॉ है वो वहां पर एक कोई गवर्निंग बॉडी होगा एक ऑथोराइज बॉडी होगा जो इस लॉ को पास करेगा इज योर पार्लियामेंट ये जो पार्लियामेंट है ये ऑथोराइज बॉडी है जो कि यहां पर लॉ बनाता है तो सर पार्लियामेंट को ये पावर किसने दिया किसने बनाया ऑथोराइज बॉडी पार्लियामेंट को सो so, पार्लियामेंट को ये ऑथोराइज बॉडी बनाया गया बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इस डॉक्यूमेंट के बारे में आई थिंक आप सबको पता होगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो इंडिया में जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपना वो सारे के सारे राइट को बताता है ठीक है वो एक तरीके से यह बताता है अगर आपने प्रियम्बल पढ़ा हो कॉन्स्टिट्यूशन का तो इट स्टार्टी दीपल करेक्ट वो ये बताता है कि हमारा देश कैसा है हम किस तरह से अपने आप को गवर्न करते हैं राइट right? तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में अगर आप देखो तो दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया इससे ऊपर कुछ भी नहीं है दिस इज द सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी बड़ा लॉ नहीं है इनफैक्ट इसीलिए आई डोंट नो आपने अगर थोड़ा सा करंट अफेयर को कभी नोटिस किया हो पिछले एक डेढ़ साल के अंदर जितने भी लॉ निकले हैं कॉन्ट्रोवर्शियल लॉज जितने भी निकले हैं उन सबको कोर्ट्स में चैलेंज किया गया और क्यों चैलेंज किया गया बोलते ये तो यार कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल आपने ये वर्ड सुना आर्टिकल में या कहीं पर आपने देखा होगा दिस 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 इज इज टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल नॉट बी अलाउड अभी वेस्ट बंगाल में इलेक्शन हुआ तो वहां पर भी बार बार यही बात हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जी उड़ा दी डेमोक्रेसी की धज्जी उड़ा दी तो डेमोक्रेसी को तो हम साइड में रखते हैं बट यस कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बीच में आता है आपने इस तरह से करके न्यूज सुना होगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो बोलते हैं यार ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है सेम वे फार्म लॉज के लिए बोला ये भी कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर है तो जब भी कुछ ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर वाला लॉ होता है तो उस लॉ को हम क्या करते हैं उस लॉ को हम अः गलत बना देते हैं यार बेसिकली वो एप्लीकेबल नहीं होता क्यों नहीं होता बिकॉज दैट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल अभी रिसेंट में अगर आप देखो तो सोशल मीडिया कंपनीज बोलते हैं कि हम अपना डेटा शेयर नहीं कर सकते क्यों क्योंकि प्रिवेसी है ठीक right है राइट टू स्पीच है राइट टू इक्वालिटी है इस तरह से करके बहुत सारे राइट्स की बात होती है तो ये आ जाता है हमारा क्या ये आ जाता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर तो इंडिया में अगर आप देखो तो जो सबसे सुप्रीम लॉ है वो क्या है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जैसे मैंने आपको बताया पार्लियामेंट को पावर दिया है कि पार्लियामेंट यहाँ पर क्या कर सकता है लॉ बना सकता है और उन लॉ को हम क्या बोलते हैं वी कॉल इट एज एक्ट जब ये ऑथोराइज बॉडी पार्लियामेंट से कोई लॉ पास हो जाता है तो उसको हम क्या बोल देते हैं उसको हम बोलते हैं एक्ट एक्ट का क्या मतलब हो गया अगर मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपने देखा हो तो उसको ऐसे था सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल और कुछ टाइम के बाद न्यूज में आने लग गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट तो इसका क्या मतलब था बिल अगर मतलब था समन हेड रेफर्ड अबाउट दिस टर्म बिल तो बिल का क्या मतलब होता है बिल मतलब अभी भी ये पार्लियामेंट में डिस्कस हो रहा है और एक्ट का क्या मतलब हो जाएगा कि ये पार्लियामेंट से पास हो गया क्या? क्या आपको बिल और एक्ट के बीच में डिफरेंस समझ आया बिल वर्सेस एक्ट बिल मतलब अभी भी प्रोग्रेस में तो अगर आप लोगों को मैं बताऊं तो आप लोग अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए हो या आप अभी प्रोसेस में हो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के प्रोसेस में हो तो आप लोग अभी बिल हो या आप लोग एक्ट हो आ, आप लोग अभी बिल हो ठीक है जो पास हो जाएगा वो क्या बोलेगा हम लोग यहां पर एक्ट है तो बिल मीन्स इट इज स्टिल इन द डिस्कशन ये अभी भी प्रोग्रेस में है ये अभी भी डिस्कशन में है, और, मतलब ये हो चुका है, और एक लॉ कब एप्लीकेबल हो जाएगा आप कब उसको मानना शुरू करोगे जब वो लॉ पास हो चुका होगा जब तक वो बिल के फॉर्म में है आप उसको फॉलो नहीं करते हो लेकिन जब वो एक्ट बन जाता है तो आप उसको जाकर यहाँ पे फॉलो करते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यहाँ पे पार्लियामेंट को पावर दिया है कि आप जाओ आप जितने भी एक्ट हैं आप उनको बनाओ पर आप एक्ट किसके ये, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राइट दिया हुआ है जो हमारे ड्यूटीज है जो हमारे वैल्यूज है उसके बियॉन्ड आप मत जाना इसके अलावा देर इज नो प्रॉब्लम अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ हमने वहां पर फिर एक्ट को इधर बना दिया और एक्ट मैंने आपको बनाया पार्लियामेंट अच्छा, इज ये क्या होता है इसको भेजा जाता। अभी पार्लियामेंट के अंदर कितने हाउसेज होते हैं दो हाउसेज होते हैं एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा ठीक है लोकसभा इज हाउस ऑफ पीपल ओके तो हम जो वोट करते हैं नरेंद्र मोदी को वोट हमने जो किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को तो हम उनने हमने इनको यहाँ पर वोट किया तो कुछ ने बीजेपी को वोट किया कुछ ने कांग्रेस को कुछ ने शिवसेना कुछ ने अलग अलग जिन जिन पार्टीज को तो जो हम वोट करते हैं प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वो यहाँ पर इन लोगों को वोट करते है. तो ये लोग कहाँ जाते हैं वो सारे के सारे कैंडिडेट्स लोकसभा में जाकर बैठते हैं और राज्यसभा होता है इनको बोलते हैं People of States. तो से लोग नॉमिनेट होते हैं जो भी रूलिंग पार्टी होती है स्टेट्स में वो यहाँ से नॉमिनेट करते हैं और राज्यसभा में पर बनते हैं. तो जो भी लॉ आता है वो लोकसभा से पास होगा फिर राज्यसभा से पास होगा उसके बाद में ये जाता है फॉर सिग्नेचर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको जब साइन करते हैं फिर ये बन जाता है एक्ट और उसके बाद में इसको नोटिफाई कर दिया जाता है इन द ऑफिशियल गसेट मतलब भारत का राजपत्र और ये बन गया पूरा हमारा कानून तो आपको सिंपली एक चीज ध्यान रखना होगा कि कोई भी लॉ जो है दिस एक्ट दिस शुड बी विद इन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ओके विद इन द प्रिंसिपल्स एंड विद इन द पावर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकता अब आप एक चीज ध्यान रख लेना ये सब जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये एग्जाम के लिए आपका रेलेवेंट नहीं है पर ये आपका लॉ के अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आगे जाकर मैं आप लोगों को जब सिचुएशंस बताऊंगा तब आप शायद इस चीजों को काफी अच्छे से इधर कनेक्ट कर सकोगे तो सर ये बिल पार्लियामेंट में कौन लेके आता है बिल लेकर आएगा जो भी रेलिवेंट मिनिस्टर होगा वो यहाँ पर पार्लियामेंट में बिल को लेके आता है ठीक है अब देखो जब आप बात करते हो आ, प्राइम मिनिस्टर उनके कैबिनेट आपने ये वर्ड सुना है कैबिनेट आजकल न्यूज में काफी ज्यादा है कैबिनेट में शायद चेंजेस होने वाले है तो बेसिकली क्या होता है प्राइम मिनिस्टर है प्राइम मिनिस्टर के साथ में एक पूरे कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं तो कोई सपोज करो होम मिनिस्टर होगा कोई फाइनेंस मिनिस्टर होगा कोई डिफेंस मिनिस्टर होगा राइट अलग अलग मिनिस्ट्रीज सबके पास रहते हैं तो अब सपोज करो फाइनेंस ठीक है अब कोई फाइनेंस से रिलेटेड है कुछ कंपनीज एक्ट है इनकम टैक्स एक्ट है जीएसटी है तो ये सब किसके विधन में आता है ये सब आता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के विधान में तो फाइनेंस मिनिस्टर क्या करेगा फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के अंदर बिल प्रेजेंट करेगा और वो बोलेंगे दैट आई प्रपोज टू ब्रिंग दिस न्यू लॉ और आई प्रपोज टू ब्रिंग दीज चेंजेस इन द लॉ ठीक है तो अब जैसे इनकम टैक्स है सपोज करो कल को गवर्नमेंट बोले टेन लाख रुपीज तक का इनकम टैक्स माफ करते हैं ठीक है आपको इफ यू आर अर्निंग अप टू टेन लाख रुपीज यू डोंट नीड टू पे एनी इनकम टैक्स तो फाइनेंस मिनिस्टर बिल लेकर आएंगे और वो बोलेंगे आई प्रपोज अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट तो वो क्या है बिल फॉर्म में है और फिर जब पार्लियामेंट बोलेगा हाँ उसमें डिस्कशन होगा कुछ लोग बोलेंगे नहीं दस लाख का अमाउंट नहीं आप बीस लाख का अमाउंट करो कोई बोलेंगे नहीं आप आठ लाख का अमाउंट करो तो इनके ऊपर पूरा डिबेट होगा अल्टीमेटली लोकसभा राज्यसभा से पास हो जाएगा प्रेसिडेंट साइन करेंगे नोटिफाई हो जाएगा और हम बोलेंगे चलो आज से दस लाख रुपए के ऊपर आपको टैक्स नहीं पे करना तो ये जो बिल होगा ये बिल पार्लियामेंट में कौन प्रेजेंट करता है जो भी मिनिस्टर होगा वो इस बिल को वहां पर प्रेजेंट करेगा इज दिस क्लियर गाइज इज दिस क्लियर राइट, right? ओके okay. अब अगर हम किसी भी एक्ट को देखते हैं ठीक है ठेके? अब हम किसी भी एक्ट को अगर देखते हैं तो ये जो एक्ट होता है जैसे आपका सिलेबस जो है बिजनेस बिजनेस लॉ लॉ एक सब्जेक्ट भले ही हो लेकिन उसमें अलग अलग क्या है चार पांच आपको एक्ट्स मिले अब ये जो पांच एक्ट है, है, है आप किसी भी सब्जेक्ट को देखो इस तरह से स्प्लिट किया हुआ रहता है वैसे कोई भी एक्ट अगर आप देखोगे ये जो एक्ट होगा ये एक्ट डिवाइड किया जाएगा इन नंबर ऑफ चैप्टर्स हर लॉ में आपको वो चैप्टर्स मिलेगा चैप्टर्स को फर्दर हम यहाँ पर स्प्लिट करते हैं इन सेक्शंस, चैप्टर्स को हम फिर डिवाइड करेंगे इन सेक्शंस। जैसे आप बोलोगे चैप्टर नंबर वन चैप्टर नंबर वन में सेक्शन वन सेक्शन टू सेक्शन थ्री फिर आपका चैप्टर थ्रू टू स्टार्ट हो जाएगा वहां पर आपका होगा सेक्शन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन लेते चैप्टर टू से रिलेटेड इतने सेक्शन से तो फिर आपका चैप्टर नंबर थ्री स्टार्ट हो जाएगा यहां पर होगा सेक्शन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन अब सपोज करो यही चार सेक्शन में आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया तो फिर आ जाएगा आपके पास चैप्टर फोर वहाँ पर फिफ्टीन सिक्सटीन इस तरीके से जाएगा तो आपके जो भी यहाँ पर एक्ट होगा उन एक्ट को डिवाइड किया जाता है इन टर्म्स ऑफ चैप्टर्स और उसके बाद उसको फर्दर डिवाइड करते हैं हम सेक्शन के अंदर तो ये जैसे मैंने आपको बोला ये हो गया हमारा लॉ एक्ट एक्ट को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग चैप्टर्स में और चैप्टर्स को हमने डिवाइड कर दिया फर्दर अलग अलग सेक्शन में सेक्शन को भी हम फर्दर डिवाइड करते हैं फर्दर डिवाइड करते हैं सबसे आपको मिलेगा सेक्शन डिवाइडेड इंटू सब सेक्शन तो हम इस तरह से बोलेंगे टेन अब जैसे ये ना टेन आपको इस तरह से मिलेगा टेन ब्रैकेट वन टेन ब्रैकेट टू टेन ब्रैकेट थ्री तो इसको हम कैसे रीड करेंगे हम बोलेंगे दिस इज सेक्शन टेन सबसेक्शन वन सेक्शन टेन सबसे टू सेक्शन टेन सब सेक्शन थ्री तो एक्ट चैप्टर सेक्शन सब सेक्शन सर इसके बाद भी कुछ होता है क्या बिल्कुल हो सकता है इसके बाद में आपको ऐसे मिल सकता है टेन वन ए आपको इस तरह से मिल सकता है टेन वन ए फिर आपको मिलेगा टेन वन बी करेक्ट तो सबसेक्शन के बाद फिर आपको क्या मिलेंगे क्लॉज ये रीड करने का तरीका है सर इसके आगे भी कुछ हो सकता है क्या बिल्कुल इसके आगे हो जाएगा सब क्लॉज राइट तो ये देखो क्लॉज और फिर आ जाता है आपके पास सब क्लॉज ये हुआ आपका बाइफर्केशन आप बताओ ये क्लियर हुआ क्या ये क्लियर हुआ आप लोगों को तो इसको हम ऐसे नहीं बोलेंगे टेन ब्रैकेट वन टेन ब्रैकेट वन बी ब्रैकेट बी ब्रैकेट वन ऐसे नहीं बोलते हैं टेन टू टेन थ्री टेन वन ए टेन वन बी ऐसा नहीं बोलते इसको हम बोलते हैं सेक्शन टेन सब सेक्शन वन क्लॉज ए अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो वो इस तरह से बोलेगा बाकी तो फिर कोई मतलब किसी भी तरीके से प्रोनाउंस कर सकता है राइट right? बट इसको लीगली अगर आप देखो और टेक्निकली अगर आप बताओ अगर आप टेक्निकली साउंड हो तो आप इस तरह से इसको रीड आउट करोगे अच्छा इसके अलावा सर लॉ में और भी कुछ होता है क्या रीड करने का तरीका होता है देखो थोड़ा थोड़ा आपको मैं अभी बताऊंगा और थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे, वैसे आपको समझेगा पर सर आप ये सब बता क्यों रहे हो इज इट इंपॉर्टेंट आंसर इज यस क्योंकि आगे जब आप मॉड्यूल में चीजों को पढ़ोगे तो आपको इन सब का हेल्प लेना पड़ेगा और जब तक आप इन सब चीजों को नहीं समझोगे तो आप वहां पर रीड करने में समझ ही नहीं आएगा अगर मैं आपको बोलूंगा देखो एज पर सेक्शन टेन सबसे क्या होता है वो तो समझ में नहीं आया तो मैं आपको टेन ब्रैकेट वन बोलूंगा तो अभी होगा क्या कि आप वो फाउंडेशन लेवल पे उसको उसी तरह से समझ जाओगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा आगे अपने आप को करेक्ट करना और फाइनल लेवल पे या आप क्लियर करने के बाद इस तरह से ब्रैकेट वन टेन वन या अगर आप ऐसे बोलोगे तो काफी मतलब कार साउंड करोगे आप मैंने बताया ना लर्नड पर्सन कभी भी इस तरह से नहीं भूलेगा इसके अलावा आपको लॉ में इस तरह से भी टर्म मिलेगा जब हम यहां पर पढ़ेंगे ना इन के अंदर प्रोवाइडेड दैट आपको ऐसा भी टर्म मिलेगा प्रोवाइडेड दैट अभी प्रोवाइडेड दैट का क्या मतलब हो गया देखो ये सेक्शन के साथ ही आपको प्रोवाइडेड दैट मिलेगा एक सिंपल तरीका मैं आपको बता देता हूं और आप प्रोवाइडेड दैट को कभी भी नहीं भूलोगे सी सपोज करो सेक्शन फाइव इस तरह से बोलता है दैट ड्यूरिंग लॉकडाउन ठीक है अब सिंपल देखना ड्यूरिंग लॉकडाउन नो वन इज अलाउड टू मूव आउट तो आप मुझे बताओ सेक्शन फाइव क्या कर रहा है आप अगर मुझे बताओ सेक्शन फाइव क्या कर रहा है सेक्शन फाइव मना कर रहा है प्रोहिबिट कर रहा है कि अगर लॉकडाउन लग गया तो कोई भी इंसान बाहर नहीं जाएगा अब इसमें अगर हमने कुछ एक्सेप्शन है ठीक है देखो सेक्शन फाइव तो एब्सोल्युटली मना कर रहा है कि कोई भी बाहर नहीं जा रहा अब यहां पर एक आएगा प्रोवाइडेड दैट और प्रोवाइडेड दैट क्या बोलेगा प्रोवाइडेड दैट इफ इट इज एसेंशियल सर्विस देखिए इफ इट इज एसेंशियल सर्विस then you can move out, then it is allowed. आप मुझे बताओ आपको provided that का सिग्निफिकेंस समझ में आया ये प्रोवाइडेड दैट तो सेक्शन में हो सकता है कोई चीज आपको अलाउ किया गया हो सेक्शन में हो सकता है किसी चीज को डिसअलाउ कर दिया गया हो ठीक है लेकिन फिर आ जाएगा provided that, जो बेसिकली क्या करेगा इसी सेक्शन का एक्सेप्शन बताएगा कि देखो ये इस इस तरह तरह से से है लेकिन लेकिन आप आप ध्यान रख लेना तो समझ लो अरे एक मिनट रुको लेकिन ऐसे भी है अरे आप बताओ इज दिस क्लियर आप बताइए दिस तो कई बार देखने को मिलेगा और आप दैट अब प्रोवाइडेड में भी अगर आपको और चीजों को ऐड करना है जैसे मैंने बोला सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज वैसे प्रोवाइडेड दैट में ऐड करना है तो आप बोलोगे प्रोवाइडेड दैट फिर आप बोलोगे चलो प्रोवाइडेड फर्दर दैट प्रोवाइडेड फर्दर दैट इस तरह से करके आपको वो प्रोवाइडेड दैट आगे आगे करके मिलता जाएगा तो आपको ये ध्यान रखना है सो so, अब अगर आप यहाँ पर ध्यान दो तो ये आपको मैंने बेसिक रीडिंग बता दिया तो जब भी आप लॉ को पढ़ोगे तो आप इस पोर्शन को पूरा पूरा याद रखना अच्छा इसके अलावा कई बार आपको एक्ट के साथ में रूल्स भी मिलते हैं कई बार आपको एक्ट के साथ में रेगुलेशंस भी मिलेंगे राइट right. आप लोगों का बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज ये सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया बीसी के ओके जब ये सब्जेक्ट आपका स्टार्ट होगा तब तो आप उसमें आ, बहुत सारे रेगुलेटर्स के बारे में पढ़ोगे क्या आपको सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी के बारे में पता है अगर स्कैम 1992 सीरीज आपने देखा हो तो सेबी को तो आप डेफिनेटली जानते हो सेम वे आपने क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम सुना है ओके okay, तो सेबी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये लोग क्या है ये लोग हैं रेगुलेटर इनके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे आप ये सब्जेक्ट को पढ़ोगे बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज सो रेगुलेशन कौन बनाता है रेगुलेशन आर मेड बाय द रेगुलेटर एक रेगुलेटर होगा वो रेगुलेशंस बनाएगा रूल्स कौन बनाता है रूल्स आर मेड बाय मिनिस्टर और एक्ट कौन बनाता है एक्ट को पार्लियामेंट बनाता है सर आपने तो बोला था ना वो फाइनेंस मिनिस्टर बिल लेकर आता है स फाइनेंस मिनिस्टर बिल लेकर पार्लियामेंट में आएगा लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर अकेले लॉ पास नहीं करेगा फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट के थ्रू लॉ पास करेगा बट अगर रूल बनाने हैं तो उनको पार्लियामेंट में जाने का जरूरत नहीं है वो मिनिस्टर अपने आप खुद ही जो मिनिस्टर होगा वो अपने आप ही यहाँ पे रूल्स बना देगा और रेगुलेशन कौन बनाएगा रेगुलेशन विल बी मेड बाय द रेगुलेटर तो सर क्या ऐसे किसी भी चीज पे रूल बन सकता है किसी भी चीज पे रेगुलेशंस बन सकता है आंसर इज नो रूल्स और रेगुलेशन आपको एक्ट खुद ही बताएगा कि इन चीजों के लिए आप रूल बना लो इन चीजों के लिए आप रेगुलेशन बना लो जैसे आप जब कंपनीज एक्ट को पढ़ोगे तो कंपनीज एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं जो एक्ट में लिखे हुए और बहुत सो कुछ जो है वो रूल्स में लिखा हुआ है तो आप एक पढ़ोगे कंपनीज एक्ट अलोंग विथ द कंपनी रूल्स इसी तरह से आप जब फाइनल में आओगे तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ो एक लॉ में एक टॉपिक पढ़ोगे सेबी एक्ट और फिर सेबी एक्ट के अंदर में आपके पास निकल के आते हैं सेबी रेगुलेशंस तो एक्ट ही बता देगा इन चीजों पे रेगुलेशन बना लो एक्ट ही बता देगा इन चीजों के ऊपर आप रूल्स बना लो हालांकि रूल्स और रेगुलेशन दोनों एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता जैसे कोई भी लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड नहीं जा सकता वैसे ही रूल्स और रेगुलेशंस एक्ट के बियॉन्ड नहीं जा सकता ठीक है तो आपको ये यहाँ पर पूरा का पूरा प्रोविजन है जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है सो so, ये एक आपको मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया इन आज अभी तक जो हमने लास्ट हाफ एन आवर 40 मिनट्स में जो भी डिस्कशन किया है इन डिस्कशंस को आप अपने दिमाग में सेट रखना अगर आपको लगता है कि सर इसको हमें कॉपी कर लेना चाहिए तो आप इसको डेफिनेटली कॉपी कर लेना पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप लोगों के पास रहेगा आप इसको अपने हिसाब से कॉपी कर लेना बट ये एक ऐसा प्रोविजन्स uh, मैंने आपके साथ डिस्कस किया है जो आप uh, आगे तक इसको यूज़ करोगे और आप इसको पढ़ोगे ठीक है अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं हमारे पहले चैप्टर को जो कि है क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अब आप देखो अगर मैं बताऊं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अच्छा कोई भी आपको लॉ अगर मिलेगा मतलब आप किसी भी एक्ट के बारे में अगर पढ़ोगे तो वो एक्ट के एंड में हमेशा कुछ ना कुछ ईयर होगा जैसे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो ईयर है वो क्या है 1872 इसका क्या मतलब है ये लॉ कब पास किया गया था इन द ईयर 1872 हम जैसे पढ़ेंगे कंपनीज एक्ट 2013 तो मतलब ये पार्लियामेंट से कब पास हो गया था इन दर 2013 तो सर ये तो इंडिपेंडेंस के पहले का है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बना उसके पहले का है बिल्कुल उसके पहले का है तो जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ था जब हमारा देश आजाद हुआ कॉन्स्टिट्यूशन पास हुआ तो हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज को रख लिया ठीक है जैसे हमने ब्रिटिशर्स को तो भेज दिया लेकिन ब्रिटिशर्स के बनाए हुए रेलवे और बाकी जो मॉन्यूमेंट्स तो उनको हमने अपने पास ही रखा हमने उनको ये नहीं बोला ये भी अपने साथ लेके जाओ राइट right? तो सेम वे जब ब्रिटिशर्स चले गए तो हमने उनके बहुत सारे लॉस को हटा दिया लेकिन हमने उनके बहुत सारे लॉ को अपने पास सेव भी करके रख लिया उनमें से एक लॉ है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसीलिए ये 1872 का लॉ है अब ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है इसमें आपको फाउंडेशन लेवल पे कितना पढ़ना है आपको फाउंडेशन लेवल पे पढ़ना है राइट फ्रॉम सेक्शन नंबर वन टिल योर सेक्शन नंबर सेवेंटी फाइव ये आप पढ़ोगे अपने सीए फाउंडेशन कोर्स के अंदर सर इसके आगे देखो इसके आगे सेक्शन सेवेंटी सिक्स से लेके सेक्शन वन ट्वेंटी थ्री तक ठीक है ये आपका वन भी नहीं वन तक है ये राइट सेक्शन वन टू तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिलीट हो चुका है तो ये आपको नहीं पढ़ना लेकिन ये डिलीट होके क्या बन गया ये डिलीट होके बन गया आपका एक नया एक्ट जिसको हम बोलते हैं द सेल ऑफ गुड्स एक्ट ये आपका यूनिट नंबर टू हो जाएगा सर सेल ऑफ गुड्स एक्ट का भी क्या कोई ईयर है क्या बिल्कुल है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इसका क्या मतलब है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में 1930 के अंदर ये सारे सेक्शंस को डिलीट कर दिया गया था और उसी साल हमने एक नया एक्ट बना दिया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट इसके बाद में आपके पास है सेक्शन 123 से सो फ्रॉम सेक्शन 123 123 से लेके सेक्शन 238 तक ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर अभी भी है लेकिन इसको आप कहाँ पढ़ोगे इसको आप पढ़ोगे अपने सी ए इंटर लेवल पे और इसके बाद भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुछ है बिल्कुल है सेक्शन टू हंड्रेड एंड थर्टी नाइन से लेके सेक्शन टू सिक्सटी सिक्स तक प्रोविजन था लेकिन ये भी अभी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से डिलीट हो चुका है और ये बन गया आपका नया एक्ट और ये एक्ट आपको काफी हद तक पता है इसको हम बोलते हैं पार्टनरशिप एक्ट दिस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप एक्ट और ये बना था 1932 में मतलब सेल ऑफ गुड्स एक्ट एक्ट आया उसके दो साल बाद हमने कंपनी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फिर से चेंजेस किए और हमने इन सेक्शंस को डिलीट कर दिया तो टेक्निकली आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ोगे सिवाय इतने से पोर्शन को ये पोर्शन आप कहाँ पढ़ोगे सीए इंटरमीडिएट लेवल पे पर जब आप इंटरमीडिएट लेवल पे जाओगे तो जो यहाँ पे सेक्शन वन से लेके सेवेंटी तक आप पढ़ रहे हो ये उसी का एक्सटेंशन होगा तो ये आपको काफी अच्छे से आना चाहिए तो आप बिल्कुल ध्यान से यहां पे चीजों को के। एक पॉइंट और बता देता हूं। जैसे मैंने बताया सेक्शन वन से लेके इस तरह से रहता है हर एक्ट के अंदर आपको एक सेक्शन मिलेगा जिसको हम बोलते हैं सेक्शन नंबर टू जनरली सेक्शन नंबर टू होता है और सेक्शन नंबर टू होता है डेफिनेशन क्लॉज सेक्शन नंबर टू इज डेफिनेशन क्लॉज अब ये जो डेफिनेशन क्लॉज है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका क्या सिग्निफिकेंस है वो ये बोलता है कि देखो आप पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वर्ड को पढ़ रहे हो ठीक है कॉन्ट्रैक्ट आप वर्ड को पढ़ रहे हो अ पर्सन कैन एंटर इन टू कॉन्ट्रैक्ट नाउ हु इज दिस पर्सन जैसे कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट टर्म्स को डिफाइन कर दिया जाएगा हु इज दिस पर्सन आप बोलो पर्सन कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट नाउ कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट सपोज करो uh, कुछ वोटिंग से रिलेटेड कोई लॉ है सपोज करो इंडियन वोटिंग एक्ट करके कोई लॉ पास हो गया अब वहां पे बताया हुआ एवरी पर्सन कैन वोट नाउ हु कैन वोट वेदर मेल कैन वोट वेदर फीमेल कैन वोट वेदर बोथ ऑफ देम कैन वोट वेदर ट्रांसजेंडर कैन वोट ओके वेदर चिल्ड्रेन कैन वोट वेदर एडल्ट कैन वोट वेदर ओल्ड एज पीपल कैन वोट अब, which is, तो ये सब आपको कहा मिलेगा वो पर्सन के डेफिनेशन में बता देंगे that every person can vote. ये तो आगे के law में बता रहे हैं लेकिन who is that person? ये आपको कहा गया होगा सेक्शन नंबर टू में सेम वे यहां पर आपको बोल देंगे उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या करते हैं डेफिनेशन सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है तो एग्जाम में तो डेफिनेटली आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ये डेफिनेशन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन बन के आता है बट इसके अलावा आप जब लॉ को आगे पढ़ोगे आगे के सेक्शंस को पढ़ोगे तो डेफिनेशन वाला जो सेक्शन होता है वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप डेफिनेशन के सेक्शन में फॉल नहीं करें तो फिर आपके लिए वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा और आप आराम से वहां पे बच जाओगे ये आपको समझ में आया गाइस ये आपको समझ में आया राइट right? ओके okay, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं बहुत ही स्टुपेट सा एग्जाम्पल है बट आपको समझने के लिए बहुत ज्यादा ईजी हो जाएगा सी सपोज करो हम पढ़ रहे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ठीक है जिसमें मर्डर को डिफाइन किया गया है वहां पर ऐसे लिखा हुआ है पर्सन हु कमिट्स मर्डर ठीक है अ पर्सन हु कमिट्स मर्डर विल बी हैंग्ड टू डेथ हैंग्ड टे ये, ये, ये आप मान लो सेक्शन नंबर टेन में ऐसा लिखा हुआ मर्डर कि किया दर्सन हैंगड टू डेथ अब यहीं पर क्या आ जाएगा एक प्रोवाइजो आ जाएगा ठीक है जो आपको क्या बोलेगा प्रोवाइडेड दैट इफ द पर्सन इज माइनर he will be sent to judicial custody. अब इसका क्या मतलब हो गया कि कोई भी इंसान अगर मर्डर करेगा तो उसको हम फांसी की सजा दे देंगे लेकिन हाँ सपोज करो ये पर्सन कोई माइनर है तो उसको हम फांसी की सजा नहीं देंगे उसको हम जेल में डाल देंगे आई थिंक ये आपको इंटरप्रेट करना बहुत अच्छे से आ गया होगा है कि नहीं क्या आप लोगों ने यह अपने आप इंटरप्रेट कर लिया था इस सेंटेंस को okay. अब यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है एक तो डिफाइन मर्डर वॉट इज मर्डर अब मर्डर को यहां पर डिफाइन किया गया है मर्डर मीन्स किलिंग समवन यूजिंग वेपन ये मर्डर को डिफाइन करके रखा है किलिंग समवन यूजिंग वेपन अब सपोज करो अगर मैं किसी को छत से धक्का दे दू तो क्या वो मर्डर कहलाएगा अगर मैं किसी को छत से धक्का दे दू 40 फ्लोर्स का एक पूरा बिल्डिंग है और उसको राइट नो राइट वाई नो क्योंकि वेपन यूज नहीं किया तो अगर वेपन यूज नहीं किया तो इवन इफ आई हैव किल्ड समवन इट विल नॉट बी कॉल्ड एज मर्डर एंड इफ इट इज नॉट कॉल्ड एज मर्डर देन आई कैन नॉट बी हैंग्ड टिल डेथ आया आपको समझ में ये आपको आया समझ में देखो बहुत ही लेम एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको दिया बट आप शायद समझ जाओगे कि डेफिनेशन सेक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है तो यहां पर अगर एग्जाम अब आपको एग्जाम में कैसा क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये आ जाएगा डिफाइन मर्डर एक तो ये आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया दूसरा टाइप का आपको क्वेश्चन ये मिल सकता है वट इज द तो तो आप लिखोगे तीसरा question आपको ये मिल जाएगा जाएगा तो दोनों एक जैसे से question हो अब आपके पास आ फोर्थ वाले में जिसको हम बोलते हैं केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन केस स्टडी क्वेश्चन में यह होगा दैट शाहरुख खान एंड शिल्पा शेट्टी बोथ वेंट ऑन या जैक एंड जिल बोथ वेंट ऑन टेरिस And Jill fell down and Jill died Police came and arrested Jack and said that he should be hanged till death comment cancer even though Jack pushed Jill which resulted in the death of Jill but Jack cannot be called as a murderer because murder means killing someone using weapon here no weapon was used therefore this is not a murder and Jack cannot be hanged till death. आप बताओ सिंपल आपको समझ में किस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे या तो आपको मिलेगा जहां पर वो आपको बोलेंगे सीधा सीधा जो डेफिनेशन है वो बता दो या फिर आपको प्रोविजन जो है वो स्ट्रेटअपे पूछ लिया जाएगा या फिर आपको वो पूछेंगे केस स्टडी और आपको केस स्टडी को आंसर करना होगा इस क्लियर बच्चा लोग दिस क्लियर राइट right? मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है कि इस तरीके से आपको यहां पर क्वेश्चंस एग्जाम में मिल सकते हैं तो आप डेफिनेशन का अब शायद इंपॉर्टेंस आप समझ चुके हो कि डेफिनेशन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक तो यहाँ पर हम बहुत सारे डेफिनेशंस को भी पढ़ेंगे एक कॉमन क्वेश्चन कई बार स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हैं सर क्या हमें ये सब रट्टा मार के रखना है सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर क्लॉज नंबर बिल्कुल भी नहीं बिल्कुल भी नहीं हाँ आप क्या याद रखोगे जैसे मैंने आपको बताया हर लॉ के एंड में एक ईयर होता है तो प्लीज डोंट राइट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको क्या लिखना होगा एज़ पर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 प्रोविजन सेक्शन नंबर याद रहते हैं तो इट इज वेरी गुड अगर आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रहते तो भी वेरी गुड देर इज नो प्रॉब्लम कोई फर्क नहीं पड़ेगा बस खाली आप ये ईयर करेक्ट लिखना करेक्ट आप मतलब ये ईयर में मिस्टेक मत करना पांच ही ईयर हैं जो आपको याद रखने हैं एटीन सेवेंटी टू कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नाइनटीन थर्टी सेल ऑफ गुड्स एक्ट का नाइनटीन थर्टी टू आपके पार्टनरशिप एक्ट का 2008 लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का और 2013 आपके कंपनीज एक्ट का एटलीस्ट फाउंडेशन लेवल पे आपको सेक्शन और ये सब याद रखने का जरूरत नहीं है हालांकि इंटरमीडिएट लेवल पे भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता बट अगर इंटरमीडिएट लेवल पे आप याद रखो तो अच्छा है वैसे ही फाउंडेशन में अगर आपको याद रहते हैं तो बहुत अच्छा है पर प्लीज डो नॉट कोट अ रॉन्ग सेक्शन सपोज करो आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है सेक्शन टेन के लिए और आप वहां पे लिख के आते हो एज पर सेक्शन और आप सेक्शन 10 का ही पूरा मसाला भर के आते हो ध्यान रखना आपको जीरो मिलेगा क्योंकि वो बोलेगा देखो आपने तो क्या बोला एज पर सेक्शन 15, ये ये चीजें लिखी हुई है अब सेक्शन 15 में तो ये सब लिखा ही नहीं है तो आंसर गलत है आपका तो यू विल गेट जीरो सो सेक्शन नहीं लिखोगे तो चलेगा लेकिन अगर गलत सेक्शन लिखोगे तो जीरो मार्क्स मिल जाएगा तो आप सेक्शंस के लिए अगर प्रेशर नहीं भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको कोई लोड लेने का जरूरत नहीं है फाउंडेशन लेवल पे अब आप यहाँ पे देखो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आ गया 1872 का अब ये वाला जो लॉ है इसमें आपका यूनिट वन से हम शुरू करेंगे ये आपका एग्जैक्ट जो इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल है ये मॉड्यूल से हम कवर कर रहे हैं इसमें देखो ये ये चीजें हमें कवर करनी है कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है व्हाट व्हाट इज बेसिकली अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक contract कैसे बनता है फिर हम देखेंगे व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विच इज कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है देन वी विल आल्सो कवर द एसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि अगर आपको एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना है तो उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या क्या चीजें जरूरी है अगर ये चीजें मिसिंग हो जाए तो वो कॉन्ट्रैक्ट फिर आपका वैलिड नहीं होगा इसके अलावा हम यहाँ पर पढ़ेंगे कितने तरह के कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बनते हैं ठीक अब कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए हमें चाहिए एक अग्रीमेंट जो कि क्या होना चाहिए एनफोर्सेबल बाय लॉ तो वो क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हमें एक इंसान चाहिए जो ऑफर करेगा और एक इंसान चाहिए जो हमें यहां पर उस ऑफर ऑफर को एक्सेप्ट करेगा अब करने के क्या लीगल रूल्स हैं कितने तरह के ऑफर होते हैं ठीक है ठेके? और क्या क्या एसेंशियल्स हैं एक ऑफर करने के लिए और ऑफर को आप कैसे कम्युनिकेट करोगे हम वो सब यहाँ पर पढ़ेंगे इसके अलावा यहाँ पर जो एक्सेप्टेंस है एक्सेप्टेंस को एक्सेप्ट करना द लीगल रूल्स फॉर अ वैलिड एक्सेप्टेंस एंड वट इज द रूल्स फॉर कम्युनिकेटिंग द एक्सेप्टेंस तो इन सब चीजों को हम कवर करेंगे पर पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है देखो कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सिंपल दो चीजें चाहिए जैसे मैंने आपको बताया आपको एक चाहिए अग्रीमेंट और दूसरा क्या होना चाहिए वो अग्रीमेंट होना चाहिए एनफोर्सिबल बाई लॉ तो अब दो चीजें अब इसी को मैं आपको एक अगेन जैसे मैंने बताया मैं बहुत सारी चीजें आपको इनफॉर्मल तरीके से समझाऊंगा तो ऑब्जेक्टिव वुड भी कि आपको वो आ, एक बेसिक आइडिया लग जाए कि क्या कॉन्टेक्स्ट है फिर आप उसको आराम से समझ पाओगे ठीक अब यहां पर बात आप जैसे बोलते हैं ना कि यार कोई इंसान है वो समझ नहीं रहा आप उसको बार बार समझा रहे हो वो समझ नहीं रहा तो एक कोई इस तरह से वो मुहावरा मार के चला जाएगा ना भैंस के आगे बीन बजाना बेकार है करेक्ट तो अब इट्स नॉट कि आप वो सामने वाले को भैंस बोल रहे हो और आप बीन पकड़ के बैठे हो बट यू विल गेट द कि वो क्या बोलना चाह रहे। तो सेम वे पर वो एनोलॉजी ड्रॉ करके हम चीजों को पढ़ेंगे देखो यहाँ पर हम ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं एक है राज क्या हमारे बैच में कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है राज इज देर एनी स्टूडेंट नेम्ड राज नो इज देर एनी सिमरन ओके okay, चलिए तो फिर ठीक है क्योंकि पिछले बैच में ऐसा हो गया था मैंने राज और सिमरन बोला राज भी था सिमरन भी था सिमरन बोलती है सर राज इज कज़न लाइक ओके सॉरी लिटरल चले गए थे तो यहां पर एक तरफ है राज और एक तरफ है यहां पे सिमरन अब राज यहां पर क्या करेगा राज ऑफर करेगा सिमरन को ठीक है दैट आई वॉन्ट टू मैरी यू तो ये क्या हो गया ये हो गया ऑफर सिमरन इस ऑफर को क्या कर सकती है रिजेक्ट कर सकती है हट या फिर सिमरन बोले ओके इवन आई वुड लव टू मैरी यू आई एक्सेप्ट द ऑफर तो यहां पर ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया क्या राज खुद को बोल सकता है आई वॉन्ट टू मैरी माई सेल्फ नहीं राइट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सो एक अग्रीमेंट बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए हमें कितने लोग चाहिए कम से कम दो लोग चाहिए ओके okay? राज so, और सिमरन यहाँ पे दो पार्टी है राज ने ऑफर किया सिमरन को सिमरन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो जैसे ही ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो गया तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे इन दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट बन गया है अग्रीमेंट का क्या मतलब होता है दोनों जने किसी एक कॉमन पॉइंट पे अग्री कर चुके हैं और वो कॉमन पॉइंट क्या है दैट दे बोथ आर गोइंग टू मैरी ईच अदर आप बताओ इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर ओके okay. अब यहां पर एक प्रॉब्लम क्या है ये जो राज है ही इज ऑलरेडी मैरिड टू सम अदर पर्सन ओके राज इज़ ऑलरेडी टू सम अदर पर्सन और उसने फिर भी ठीक है सिमरन को ऑफर कर दिया दैट आई वांट टू मैरी यू एंड सिमरन ने उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया तो ये जो अग्रीमेंट है ये अग्रीमेंट लीगल अग्रीमेंट है या ये इन अग्रीमेंट हो गया

और अग्रीमेंट अगर लॉफुल हो गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहां पे बन जाएगा चलो एक और एग्जाम्पल लेते हैं राज ने सिमरन को ऑफर किया और क्या बोला दैट आई वॉन्ट टू सेल वन हंड्रेड के जी लेट से राइस मैं आपको हंड्रेड के जी राइस सप्लाई करूंगा लेट से एट द रेट फोर्टी रुपीज पर के जी ठीक है और सिमरन ने बोला ओके आई एम रेडी टू परचेज वन हंड्रेड के जी राइस एट द रेट रुपीज फोर्टी पर के जी क्या राज और सिमरन में कोई अग्रीमेंट हुआ क्या राज और सिमरन में कोई अग्रीमेंट हुआ आंसर इज येस यहां पर एक अग्रीमेंट हो गया बिकॉज बोथ ऑफ देम अग्रीड टू अ कॉमन पॉइंट क्या चावल को बेचना खरीदना इलीगल है नहीं है तो यहां पर हम क्या बोलेंगे दिस इज ऑल्सो इन्फोर्सिबल बाय लॉ देयर फोर दिस इज वॉट दिस इज अंट्रैक्ट बिटवीन बोथ ऑफ देम ये दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया आप बताइए अब इसी को मैं रिप्लेस कर देता हूं राइस को मैं रिप्लेस कर देता हूं आई होप आप लोग हेडफोन लगा के मेरे लेक्चर्स को सुनते हो क्योंकि कई बार मैं ऐसे वायद एग्जाम्पल भी दूंगा तो अगर आपके घर पे किसी ने ऐसे एग्जाम्पल्स को सुना तो आप पे भी शक जाएगा और मेरे पे भी शक जाएगा ठीक है सो अब ये हंड्रेड के अगर कोकेन का ट्रांजेक्शन किया तो क्या अग्रीमेंट है नहीं अग्रीमेंट है इट इज स्टिल एन अग्रीमेंट लेकिन क्योंकि ये लॉफुल नहीं है तो ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा आप बताओ अब अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर सिर्फ अग्रीमेंट के रह गया तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा और अगर अग्रीमेंट से वो कॉन्ट्रैक्ट तक का जो रास्ता है उसको कवर कर लिया तो फिर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा ओके वेरी गुड यहां तक आप समझे बिल्कुल सही अब इसी में आपको मैं और दो तीन पॉइंट एड कर देता हूं तो आपको और टर्मिनोलॉजीज़ यहां पे क्लियर हो जाएगा राज इज द पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर यस और नो राज इज द पर्सन हु इज मेकिंग द ऑफर तो राज को हम बोलते हैं ऑफरर राज को हम क्या बोलेंगे ऑफरर और सिमरन को हम क्या बोलेंगे सिमरन को हम बोलेंगे ऑफरी राज इज ऑफर एंड सिमरन इज ऑफरी सो so, जो इंसान ऑफर करता है उसको हम बोलते हैं ऑफरर और जिसको ऑफर किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं ऑफरी अब ऑफरी के पास ऑप्शन है मतलब सिमरन के पास यहां पे ऑप्शन है कि वो ऑफर को रिजेक्ट कर दे सिमरन के पास ऑफर ऑफर है है कि वो उफ... है कि वो वो ऑप्शन को एक्सेप्ट कर ले तो अगर वो ऑफर को रिजेक्ट कर देती है तो सिमरन इज ओनली ऑफरी बट अगर सिमरन ऑफर को एक्सेप्ट कर ले तो हम क्या बोलेंगे द ऑफरी इज नाउ कॉल्ड एज एक्सेप्टर सिंपल टर्मिनोलॉजी सिंपल है यह सब डिफाइन किया गया है लॉ के अंदर लेकिन आपको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से यहां पे बता दिया दैट द पर्सन हु मेक्स द ऑफर इज कॉल्ड एज ऑफरर द पर्सन टू द ऑफर इज मेड ऑफरी एंड वेन द ऑफरी एक्सेप्ट ऑफर ऑफरी इज कॉल्ड एज द एक्सेप्टर एंड बोथ एक्सेप्टर एंड ऑफरर दे मेक एन अग्रीमेंट ओके दिस अग्रीमेंट इफ इट इज के depend करता। मतलब contracts बात करता है वो अग्रीमेंट्स को डिस्कस नहीं करता ठीक है अभी राज सिमरन को ऑफर कर दे मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए ले जाऊंगा और बाद में वो मूवी दिखाने के लिए नहीं ले जाता तो क्या सिमरन ये बोले कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा चलो मैं केस करती हूँ तुम्हारे पे कोर्ट में केस फाइल डैमेजेस दो आंसर इज नो व्हाई बिकॉज वो कॉन्ट्रैक्ट तो बना ही नहीं वो तो खाली क्या था अग्रीमेंट बन के रह गया अब आप सर मूवी देखने जाना तो लीगल मतलब इलीगल नहीं है तो आप ध्यान रखो ये जो अग्रीमेंट्स होते हैं इसका ये मतलब नहीं कि अग्रीमेंट आर लीगल और इलीगल जब हम यहाँ पे बात करते हैं लॉ के बारे में तो ऐसे अग्रीमेंट्स जिसको आप लॉ में मतलब कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो क्या देखो लॉ का क्या मतलब है यहाँ पे लॉ का मतलब होता है क्या उसको आप कोर्ट में एनफोर्स कर सकते हो क्या एनफोर्स मतलब कल को अगर राज मूवी दिखाने से बाद में मना कर दे या राज ने टिकट्स परचेज कर लिया और सिमरन मूवी देखने के लिए नहीं आई और राज के वो पैसे फालतू में लग गए तो क्या राज सिमरन के ऊपर केस फाइल कर सकता है क्या आंसर अगर यस yes है तो हम क्या बोलेंगे इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ और अगर नहीं तो फिर हम क्या बोलेंगे बॉस ये तो सिर्फ अग्रीमेंट बन के रह गया ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना आपको पॉइंट समझ में आया सी राज ने ऑफर किया था मूवी के लिए अब दोनों में से कोई एक ने धोखा दे दिया तो क्या आप केस फाइल कर सकते हो आंसर इज नो सो दिस इज ओनली अग्री अग्रीमेंट दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट लेकिन सपोज करो राज ने ऑफर किया था दैट आई विल सप्लाई यू 100 हंड्रेड के राइस और बाद में राज ने राइस देने से मना कर दिया तो क्या अब सिमरन केस फाइल कर सकती है क्या सिमरन अब केस फाइल कर सकती है आंसर यस। सो सो वी विल से दिस बाय लॉ। इट कॉन्ट्रैक्ट। ओके। राज ने ऑफर किया था कि मैं आपको यहाँ पे गांजा सप्लाई कर दूंगा ठीक है मैं आपको गांजा सप्लाई कर दूंगा अब राज ने गांजा सप्लाई करने से मना कर दिया ड्रग्स प्रोहिबिटेड ड्रग्स अब आप मुझे एक बात बताओ क्या सिमरन कोर्ट में जाके क्या पुलिस कंप्लेन फाइल कर सकते ये देखो राज ने मेरे को प्रॉमिस किया था मैं गांजा सप्लाई करूंगा और फिर बाद में सप्लाई नहीं किया आंसर इज नो वी विल से दिस इज नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ सो आई होप आप ये पॉइंट समझ गए कि जो इीगल चीजें हैं उसको तो आप एनफोर्स कर ही नहीं सकते इसके अलावा कुछ ऐसी चीजें होंगी जो लीगल है पर फिर भी आप उसको कोर्ट में नहीं ले जा सकते उनको हम क्या बोलते हैं उनको हम बोलते हैं डोमेस्टिक अग्रीमेंट इनको हम क्या बोलते हैं डोमेस्टिक अग्रीमेंट डोमेस्टिक अग्रीमेंट क्या होते हैं जो ऐसे अग्रीमेंट है जिनमें आपका लीगल इनफोर्सबिलिटी का इंटेंशन नहीं है आपका इंटेंशन ये नहीं है कि आप लॉ मतलब कोर्ट में केस फाइल करोगे या ऐसा सी एक सिंपल एक एग्जाम्पल आपके और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि मैं आप लोगों को पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाऊंगा अब सपोज करो मैं या आपको पूरा फाउंडेशन का लॉ पढ़ाऊंगा मैं बीच में आप लोगों को पढ़ाना अगर छोड़ दो तो क्या आप मेरे पे केस फाइल कर सकते हो देखो आनंद सर को हमने फुल फीस पे कर दिया है और इन्होंने बोला था पूरा लॉ पढ़ाएंगे और बीच में इन्होंने धोखा दे दिया क्या आप केस फाइल कर सकते हो आंसर इज यस यू कैन वेरी वेल फाइल केस व्हाई बिकॉज आपका मेरा दोनों का लीगल इंटेंशन है सिमिलरली अगर आप मुझे फीस नहीं दो तो क्या मैं आपके ऊपर केस फाइल कर सकता हूँ आंसर इज यस क्योंकि हम दोनों का लीगल इन्फोर्सेबिलिटी था बट सपोज करो मैं एक ऐसे रिवॉर्ड अनाउंस करता हूँ कि चलो आप लोग सीए फाउंडेशन क्लियर कर जाओ मैं आप लोगों को लेट से फाइव स्टार में डिनर के लिए लेकर जाऊंगा ठीक है और मैं बाद में आपको डिनर के लिए नहीं लेकर जाता हूं क्या आप कोर्ट केस फाइल कर सकते हो देखो आनंद सर ने प्रॉमिस किया था कि आंसर इज नो व्हाई बिकॉज दिस इज व्हाट दिस इज कॉल्ड एज द डोमेस्टिक अग्रीमेंट दिस इज अ डोमेस्टिक अरेंजमेंट गाइस इज दिस क्लियर इज दिस पॉइंट क्लियर ये वाला पॉइंट तो अब मुझे बताओ मे मैं, मैं आप लोगों को अगर फाइव स्टार पे पार्टी के लिए ले जा रहा हूं क्या वो इीगल है आंसर इज नो दैट इज वेरी वेल लीगल बट क्या वो लीगल इंटेंशन के साथ बनाया गया आंसर इज नो तो यहां पे चलेगा अच्छा सपोज करो मैं इस तरह से एक अनाउंसमेंट करता हूं स्टूडेंट्स प्लीज ज्वाइन फॉर सी ए फाउंडेशन लेक्चर राइट एनी स्टूडेंट हु विल गेट अ रैंक विल बी रिवॉर्डेड वन लैख रुपीज ठीक है मैंने इस तरह से करके एक एड अनाउंस किया एनी स्टूडेंट हु विद रैंक विल गेट वन लाख रुपीज रिवॉर्ड आपका रैंक आ जाता है और आप मुझे बोलते सर मुझे एक लाख रुपया दो और मैं आपको एक लाख रुपया देने से मना कर दू क्या अब आप कोर्ट में केस फाइल कर सकते हो कि देखो हमने सर से क्लास लिया था और सर ने बोला था अगर रैंक आ जाएगा तो एक लाख रुपया का रिवॉर्ड है क्या आप मेरे पे केस फाइल कर सकते हो Is yes. क्यों? क्योंकि मैंने उसको लीगल इंटेंशन के साथ वो वहां पे बना के दिया। तो सर, कैसे पता चलेगा, कि कैसे पता चलेगा कि लीगल है या लीगल इंटेंशन नहीं है दैट इज द इशूलिंग इन समाइम बट आपको ये समझ में आया कि अग्रीमेंट में लॉफुल होना जरूरी दोनों होना बहुत जरूरी है तो जाकर यहाँ पे क्या बनेगा कॉन्ट्रैक्ट बनेगा अब यही आप अगर यहाँ पर देखो तो दो पॉइंट आपको इधर दिया हुआ है वन इज योर एग्रीमेंट अनदर इज योर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ एग्रीमेंट को हम कैसे डिफाइन करेंगे एग्रीमेंट इज व्हाट एग्रीमेंट इज अ ऑफर व्हिच इज एक्सेप्टेड एक ऑफर जो एक्सेप्ट हो गया उसको हम क्या बोलेंगे दैट इज एन एग्रीमेंट ओके एनफोर्सएबिलिटी बाय लॉ का क्या मतलब हो जाएगा क्या आपका इंटेंशन है इज देअर एनी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन इज देर अंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशन येस और नो एक तो यह पॉइंट हो जाएगा दूसरा आपको यह देखना पड़ेगा वेदर इट इज लीगल और इट इज इन लीगल यह आपका दो पॉइंट आ जाएगा तो अगर मेरा इंटेंशन है लीगल रिलेशन क्रिएट करने का, जैसे फाइव स्टार की पार्टी में मेरा इंटेंशन लीगल रिलेशन क्रिएट करने का नहीं था तो वो सिर्फ अग्रीमेंट बन के रह जाएगा राज ने जब सिमरन को बोला मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए ले जाऊंगा तो वहां पर इंटेंशन नहीं था लीगल रिलेशन क्रिएट करने का लेकिन जब मैंने बोला कि अगर आपको रैंक आया तो आई गिव यू वन लाख रुपीज वहां पर मेरा लीगल इंटेंशन था जब आपने मुझे बोला सर विल यू टीच अस लॉ मैंने आपको अग्री किया यस आई विल टीच यू लॉ और हमने फीस को डिसाइड कर लिया तो हम दोनों ने लीगल इंटेंशन को क्रिएट कर लिया है आप बताओ इज दिस क्लियर इज दिस क्लियर ओके अब जब हम यहाँ पे बात करते हैं ऑफर विच इज एक्सेप्टेड तो आप इसमें ध्यान रखना जब एक अग्रीमेंट बन जाता है तो अग्रीमेंट में एक पार्टी के पास दो चीजें आती है एक तो उसके पास राइट right भी आएगा और दूसरा उसके पास ऑब्लिगेशन भी आ जाएगा यू विल गेट अ राइट एंड यू विल ऑल्सो गेट अ ऑब्लिगेशन सी यू हैव अ राइट दैट यू कैन फ्रीली मूव आउट ऑफ योर हाउस यू कैन गो एनी वेर यू वॉन्ट है कि नहीं पर आपके ऊपर एक ऑब्लिगेशन भी है कि आपको मास्क लगा के घूमना है हाँ या ना राइट right. आपके पास राइट है कि आप गाड़ी चला सकते हो पर क्या आप सलमान खान बन जाओगे फिर नहीं आपके पास एक ऑब्लिगेशन है कि ट्रैफिक रूल्स को भी आपको फॉलो करना है ठीक है ऐसे नहीं रोड को फुटपाथ पे ले जाओ आप गाड़ी को फुटपाथ पे ले जाओ तो आपको ये सब चीजों को ध्यान रखना है तो लॉ में हमेशा ये दो चीजें साथ साथ चलेंगे यू विल गेट सम राइट बट यू विल ऑल्सो गेट समीगेशन आप मुझे बताओ आई हैव अ राइट टू स्पीच आई हैव अ राइट टू एक्सप्रेस तो मैं अपने मन की बात क्लियरली रख सकता हूँ कि नहीं लेकिन मेरे पास एक ऑब्लिगेशन भी है इसका यह मतलब नहीं है मैं कोई भड़काऊ भाषण जाके दे दू, कि कि रिलीजियस हो जाए मारो पकड़ के मारो उसको इसको पकड़ के पीटो राइट क्या मैं इस तरह से कर सकता हूं आंसर नो आई एम ऑब्लिगेटेड सो राइट के साथ में एक ऑब्लिगेशन भी आता है और अगर आप कॉन्ट्रैक्ट में देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी है आप ये देखो एक है आपके पास राज और एक है आपके पास सिमरन right? राइट हम क्या बोलेंगे राज वुड बी कॉल्ड एज ऑफरर ओके एंड सिमरन विल बी कॉल्ड एज रेदर अब उसने क्योंकि ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो हम उसको यहां पर क्या बोल देते हैं सिमरन इज एक्सेप्टर अब आप देखो राज के पास एक राइट है राज के पास एक ऑब्लिगेशन है सिमरन के पास भी एक राइट है और सिमरन के पास भी एक ऑब्लिगेशन है तो आप मुझे बताओ राज के पास क्या राइट है वॉट इज द राइट ऑफ राज और कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है राज इज गोइंग टू सप्लाई 100 हंड्रेड के जी राइस टू सिमरन तो राज के पास क्या राइट है राज के पास राइट है टू रिसीव द मनी है कि नहीं राइट और सिमरन के पास क्या राइट है टू रिसीव द राइस टू रिसीव द डिलीवरी ऑफ राइस है कि नहीं बट अब हम ऑब्लिगेशन में देखो तो राज के पास क्या ऑब्लिगेशन है उसके पास राइट right है टू रिसीव द मनी बट ही हैज दब्लीगेशन टू डिलीवर द राइस है कि नहीं और सिमरन के पास क्या ऑब्लिगेशन है टू पे फॉर द राइस तो आप देखो जो राज का राइट right है वो सिमरन का क्या है ऑब्लिगेशन हाँ या ना ये देख रहा है आपको और जो सिमरन का राइट right है वो राज का ऑब्लिगेशन यस और नो सो अग्रीमेंट क्या करता है एक अग्रीमेंट आपके लिए राइट्स भी क्रिएट करता है और आपके लिए ऑब्लिगेशन भी क्रिएट करता है एक पार्टी का राइट right, दूसरे का ऑब्लिगेशन दूसरे का राइट right, पहले वाले का ऑब्लिगेशन। आपको अपने राइट भी एक्सरसाइज करने हैं और आपको अपने ऑब्लिगेशन को भी फुलफिल करना है। आप बताओ, राइट right? और ये राइट एंड ऑब्लिगेशन क्या होने चाहिए एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए तो मतलब क्या है कि कल को अगर कोई पार्टी अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं कर रहा तो क्या आपके पास राइट right है कि आप उसको कोर्ट में ले जाके अपने ऑब्लिगेशन अपनी हक की लड़ाई लड़ सको तो आंसर इज अगर यस देन इट इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ अदरवाइज इट इज नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ ओके तो ये आपके पास पूरा पॉइंट आता है तो अगर अब आपसे कोई पूछे हाउ अ अग्रीमेंट इज मेड तो आप शायद काफी अच्छे से समझा पाओगे अग्रीमेंट कैसे बनेगा देर विल बी वन पर्सन हु विल बी कॉल्ड हु इज कॉल्ड एज ऑफर ऑफरर इज गोइंग टू मेक ऑफर है कि नहीं ऑफर इज गोइंग टू मेक अ ऑफर टू द ऑफरी उसके बाद ऑफरी इज गोइंग टू एक्सेप्ट द ऑफर एंड ऑफरी जब ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑफरी क्या बन जाएगा एक्सेप्टर राइट ऑफर और एक्सेप्टर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे दोनों मिलकर बनाएंगे एक अग्रीमेंट ओके okay? ये अग्रीमेंट अगर एनफोर्सिएबल होगा अगर ये अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होगा बाय लॉ तो ये क्या बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट आप बताओ सो हाउ अ कॉन्ट्रैक्ट इज मेड हाउ एन अग्रीमेंट इज मेड ये आपको समझ में आ गया क्या आप क्रोनोलॉजी समझ गए पहले ऑफर होगा ऑफर होगा एक्सेप्ट एक्सेप्ट करने के बाद वो बन जाएगा अग्रीमेंट अग्रीमेंट अगर लीगली एनफोर्सेबल होगा तो वो बन जाएगा कॉन्ट्रैक्ट अब ये क्रोनोलॉजी आप बिल्कुल भूलना मत ओके okay? ओके okay, अब देखो ये आपके मॉड्यूल से मैंने निकाला सो अग्रीमेंट तो ये देखो जैसे मैंने आपको बोला था सेक्शन टू के अंदर सब कुछ डिफाइन किया हुआ रहता है तो ये सेक्शन टू में डिफाइन किया हुआ है दैट व्हाट इज अग्रीमेंट अग्रीमेंट इज एवरी प्रोमिस और सेट ऑफ प्रोमिस फॉरमिंग कंसिडरेशन फॉर इच अदर सर बड़ा ही टेक्निकल सा पॉइंट है अरे छोड़ो कोई बात नहीं अग्रीमेंट में आप सिंपली इतना समझो जो मैंने आपको बताया ऑफर विच इज एक्सेप्टेड बिकम्स अग्रीमेंट आप बताओ ये क्लियर हालांकि हम इस पर भी पहुंचेंगे पर थोड़े टाइम बाद में पहुंचेंगे अब प्रोमिस को भी यहां पर कैसे डिफाइन किया गया है देखो बड़ा खतरनाक सा डेफिनेशन है बट इसको भी सिंप्लीफाई कर देंगे Promise में पर क्या बता रहे दट प्रोमिसन अ पर्सन टू द प्रपोजल इज मेड आप मुझे बताओ इस इंसान को हम क्या बोलेंगे the person to whom the proposal is made. Proposal मतलब आप प्रपोजल किसके लिए करते हो किस गुड द प्रपोजल इज मेड टू ऑफरी वेरी गुड सो द प्रपोजल इज मेड टू ऑफरी अब ऑफरी क्या कर रहा है ऑफरी सिग्निफाई कर रहा है सिग्निफाई का क्या मतलब कर रहा है वो आपको अपनी हामी भर रहा है अग्री कर रहा है वो उस चीज से अरे आया अगर आपने मेरे को पूछा सर वेल यू टीच लो तो मैं अगर बोलूंगा आई विल सिग्निफाई आई विल सिग्निफाई मीन आई गिव यू सिग्नल कम्युनिकेट समथिंग आई विल कम्युनिकेट माई असेंट असेंट का क्या मतलब होता है सो सिग्निफाई दस असेंट का मतलब आई अग्री जब ऑफरी अग्री कर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे जो ऑफर है वो एक्सेप्ट हो गया अरे समझा ये हो गया सिंपल। ये डेफिनेशन सिंपल हो गया ऑफरी को ऑफर किया जाएगा और जब ऑफरी सिग्निफाई सिग्निफाई कर देगा या सिग्नल भेज देगा कि हाँ मैं अग्री करता हूं तो आपके प्रपोजल पे तो हम क्या बोलेंगे आपका जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट हो गया मुबारक को राइट तो जब सिमरन राज के ऑफर को एक्सेप्ट कर देगी तो राज के फ्रेंड्स क्या बोलेंगे अरे मुबारक हो मुबारक हो सिमरन भाभी बन गई नो yes no? तो यहां पर भी वही वाला सिनेरियो है वेन द ऑफरी सिग्निफाई असेंट वी से द प्रपोजल इज एक्सेप्टेड और एक बार जब एक प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाता है प्रॉमिस सिंपल सिंपल राइट right? तो इस डेफिनेशन से क्या क्या निकल के आ रहा है ये देखो आपको भाई बताए कि एक इंसान है जिसको ऑफर किया जाएगा वो अपना ऑफर को एक्सेप्ट कर लेगा तो हम बोलेंगे हमारा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और एक बार प्रपोजल अगर एक्सेप्ट हो गया तो उसको हम क्या बोलेंगे हमारा यहाँ पे प्रॉमिस बन गया तो अल्टीमेटली देखो घुमा फिरा के बाद तो यही निकला ना वॉट इज अग्रीमेंट अग्रीमेंट इज अ ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस जो मैंने आपको सिंपल तरीके से यहां पे लिख के बताया ऑफर विच इज एक्सेप्टेड इज वॉट इट इज एन अग्रीमेंट ओके ओके एंड अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ बिकम्स अ कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल

क्योंकि आपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट कर दिया और लीगल राइट्स लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट किया है कल को अगर आपके लीगल राइट्स आपको नहीं मिलते तो आप कोर्ट में जा सकते हो कल को आपने अगर अपने लीगल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं किया तो जो सामने वाला इंसान है वो आपको कोर्ट में लेके जा सकता है फिर क्या बता रहे दैट अग्रीमेंट इज वर्दी टू बी वर्दी ऑफ बींग एनफोर्सियबल बाय लॉ विल बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट सो वेयर the parties have made a binding contract they create or they created rights and obligations between themselves just a example that a agrees with b to sell the car for 2 lakh rupees to b now here a is in the obligation to give the car to b and b has the right to receive the car on the payment of 2 lakh rupees and b is also in the obligation to pay टू लाख रुपीज टू ए और यही ए का क्या है अपना राइट right है तो एग्जैक्टली exactly जो मैंने आपको यहां पर काफी सिंपल तरीके से समझाया था ठीक फिर अगर आप यहां पे देखो तो आगे क्या बता रहा है लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट डील्स विथ ओनली सच लीगल ऑब्लीगेशन ओके विच हैज रिजल्टेड फ्रॉम द अग्रीमेंट्स मतलब ये जो भी आपके अग्रीमेंट्स है जो लीगल रेगुलेशन को क्रिएट करते हैं खाली उन्हीं को हम क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट कुछ ऑब्लिगेशन ऐसे हैं विच इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो लॉ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बाहर ही रहेगा जैसे अ ऑब्लिगेशन टू में चिल्ड्रेन एंड ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ सो देर आर स्टेटस आर आउट ऑफ द स्कोप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो मैंने अपनी वाइफ को प्रॉमिस कर दिया दैट ओके आई विल टेक यू फॉर अ डिनर डेट और बाद में अगर मैं नहीं लेकर जाता हूं तो कोर्ट तो मेरा पता नहीं कुछ करेगा कि नहीं करेगा वाइफ वाइफ तो तो बहुत कुछ करेगी राइट बट बट लेट्स नॉट गेट देयर एक चीज फॉर श्योर है कि मेरी वाइफ मेरे को कोर्ट में ले जाकर यह नहीं बोल सकती कि यह बदतमीज इंसान ने मेरे को प्रॉमिस किया था कि आई विल टेक यू फॉर डिनर और बाद में ये ऑफिस से लेट आया राइट right? और हमारा डिनर डेट कैंसिल हो गया क्योंकि लॉ क्या बोलेगा देखो आपके हस्बैंड ने अगर आपको प्रॉमिस किया था दैट ही इज गोइंग टू टेक यू फॉर डिनर तो वहां पर लीगल ऑब्लिगेशन तो क्रिएट हुआ ही नहीं ये क्या हो गया इनको हम बोलते हैं ये बन गया डोमेस्टिक अग्रीमेंट ये बन गया डोमेस्टिक अग्रीमेंट और कोर्ट क्या बोलेगा बेसिकली कोर्ट जज क्या बोलेगा ये अपने घर का मामला घर में सुनाओ ठीक है ये कोर्ट में ला के पे टाइम वेस्ट मत करो आप बताओ इज दिस क्लियर गाइज इज दिस क्लियर राइट right? तो आप मुझे बताओ कौन ज्यादा बड़ा है अग्रीमेंट ज्यादा बड़ा है या कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा बड़ा है अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं अग्रीमेंट आप देखो किसका दायरा बड़ा होगा आप देखो मैं एक सर्कल बनाता हूं इस सर्कल में मैं एक और सर्कल बनाता हूं दिस इज ए दिस इज बी कैन आई से सर्कल बी इज इन सर्कल ए राइट तो अगर आप यहां पर हो तो आप सर्कल ए के अंदर भी हो और आप सर्कल बी के अंदर भी हो है कि नहीं लेकिन अगर आप यहां पर हो तो आप सिर्फ सर्कल ए में हो सर्कल बी के अंदर नहीं हो है कि नहीं ओके दिस इज अग्रीमेंट

तो ये आपका यहां पे एक क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट तो यहां से हम क्या करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे और इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आगे तो ये सेंटेंस का शायद अब आप आंसर कर पाओ दैट ऑल अग्रीमेंट्स ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट्स बट ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स आप बताओ ये सेंटेंस समझ में आ रहा है आपको कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीमेंट तो होंगे बट जितने भी अग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है ओके ऑल राइट देन दैट सेट फॉर टुडेज लेक्चर हम अगली क्लास में मिलेंगे और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को यहां से आगे कंटिन्यू करेंगे आई होप आप लोगों को आज के लेक्चर में चीजें समझ में आई होगी ओके देन दैट सेट फॉर टुडेज लेक्चर टेक केयर बाय बाय